स्टडी अब्रॉड, आप किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो, किसी दूसरे मुल्क में जाकर स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आप कैसे एलिजिबल होते हो और आपको कौन सी डिग्री में जाना चाहिए और इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल लिखनी होती है, प्रोफेसर को लिखनी होती है। जब आप किसी रिसर्च में जाना चाहते हो, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को आप सजेस्ट करते हो, सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वो गूगल पर लिखोगे आपकी डिग्री के हिसाब से, तो आपको वो यूनिवर्सिटी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट से जाकर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी फैकल्टीज को चेक कर सकते हो। फैकल्टी में जाने के बाद आप वो प्रोफेसर सेलेक्ट करोगे जो आपके डिग्री के रिलेवेंट हो, उस पर जाकर उसकी रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे आपको। उस वो पढ़ने के बाद आपने वो ईमेल में मेंशन करने हैं कि मैं आप एक अच्छी सी ईमेल आपने उसको सेंड करनी है, उसमें आपने प्रॉपर वर्डिंग चेक करनी है अपनी, इस तरह ना हो कि आप ईमेल में गलती करें, ग्रामर की मिस्टेक करें, तो वो आप रिजेक्शन का सबब बन सकता है। तो आपने ईमेल पर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी सी ईमेल लिखेंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि मैंने ये आर्टिकल आपका पढ़ा है और मैं इसमें आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो और स्टडी के हिसाब से आप एंड आई वॉन्ट टू वर्क अंडर योर सुपरविजन, ये जुमला आप लिखेंगे तो ये काफ़ी बेहतर होगा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी अप्रूव में जाना चाहते हैं। तो वो जैसे ही रिव्यू लेगा और आपको फिर ईमेल के जरिए बताएगा और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। और उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर, SOP जो लेटर होता है उसको तैयार करना है। वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है SOP, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो, आप सोसाइटी को क्या देना दोगे इस डिग्री करने के बाद और आप का मकसद क्या है इस डिग्री करने को, ये तीन चीज़ें आप उस SOP पर लिखते हैं। उसके बाद आपने अपनी अच्छी सी एक CV बना लेनी है जो कि यूरोपास में आप बनाएं तो ये काफ़ी बेहतर होगा। वो CV बनाने के बाद वो CV भी आप उसी ईमेल में एड कर उस प्रोफेसर को चेक करोगे। अब इसमें आप एक ईमेल अच्छी लिखोगे, उसके बाद मोटिवेशन रिकमेंडेशन लेटर लिखोगे, उसके बाद आपने तैयार करनी है अपने प्रोफिशिएंसी लेटर को, जो कि आप यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ते हो वो भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे तो वो भी आप चल जाते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो भी एक्सेप्टेड है। इनफैक्ट आप IELTS करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसके अलावा TOEFL भी कर सकते हो। पर अगर आप आपके पास टाइम नहीं है या आपका पास इतना बजट नहीं है तो आप वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। उसके बाद आते हैं कि ये चीज़ें आपने प्रिपेयर कर ली, ईमेल लिख लिया, CV बना ली, मोटिवेशन लेटर SOP बना लिया, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको आ गया। और अगर आप GMAT GRE देना चाहते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, अगर वो आप नहीं देना चाहते तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। पर ग्रेजुएट के लिए आपने GMAT GRE ज़रूर देना है, अगर आप नहीं देते तो भी कोई इशू नहीं होता, पर आपके चांसेस जो हैं एडमिशन के कम हो जाते हैं, तो आप अप्लाई करें, इस तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर एडमिशन नहीं मिलती तो अगर आपने लेट कर दी होगी फॉर्म में तो आपको एक ईयर इंतज़ार करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर आपने दोबारा अप्लाई करना होता है तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें, अक्टूबर में इसके चांसेस होते हैं। आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ओपन होती है,
आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, और ग्रेजुएट या पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो वो भी आप जा सकते हो। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास स्कॉलरशिप बहुत कम होती है अप्रूव, बट मास्टर्स और पीएचडी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मास्टर्स के भी कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं आती, पर पीएचडी के आपके पास बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होती हैं। और पीएचडी करने के बाद आपको वहाँ पर 2-3 साल जॉब ढूंढने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, आप वहाँ पर जॉब वगैरह कर सकते हो। रीडिंग स्टडी ये भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को स्टिपेंड भी मिलता है वहाँ पर, और वो स्टिपेंड इतना होता है कि आप अपने स्टडी के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद 70-80 हज़ार पाकिस्तानी जो बनते हैं वो आप अपने घर भी भेज सकते हो। आप मेहनत करें और इंशाल्लाह इन चीज़ों पर आप अगर अमल करते हो तो आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। और इसी तरह से मेहनत करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। एंड वी विश यू अ हैप्पी लाइफ इन योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।